डीबीटी के बारे में, बिकॉज बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में टेक्स्ट में जिसमें ये बात करते हैं, सर डीबीटी बनाओ, डीबीटी कैसे, हाउ कैन वी यूज डीबीटी टू इंक्रीज आवर रैंक, टू इंक्रीज आवर पोटेंशियल बाय यूजिंग दिस डीबीटी। तो देखें गाइस, डीबीटी क्या है, डीबीटी इज अ डेम्स विजुअल ट्रीट। ये डेम्स वालों का हर साल ये 3 महीने पहले निकालते हैं अपना एक इमेज बेस्ड अपना एक सेशन करते हैं, जो कि आई थिंक 6 डेज का ऑफलाइन है और 10 डेज का ऑनलाइन है। तो जो भी लोग इसको सब्सक्राइब जिन्होंने किया हुआ है, जिन्होंने इसको ज्वाइन किया हुआ है, उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है और ये डेफिनेटली ये उनकी रैंक को हेल्प करेगी बूस्ट करने में। सो आज मैं बताने वाला हूँ कि कैसे आप इसको यूटिलाइज करेंगे अपनी रैंक को इम्प्रूव करने के लिए इन 3 स्टेप्स में। तो पहली स्टेप जो है तो यूज करेंगे वो है कि जो आपका जो डीबीटी का सोर्स है ये आपको एड ऑन करेगा आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करने में, आपको एड ऑन करेगा। ये एक बात मेरी जरूर याद रखें, जिसने भी डीबीटी को ज्वाइन किया है, ये मैं मान के चल रहा हूं दिस इज वेरी अंडरस्टैंडेबल है कि आप लोगों ने एक बार अपना कोर्स पूरा कर लिया है, आप डीबीटी यूज कर रहे हैं, आपने जो पढ़ा है उसको रैपअप करने के लिए यूज कर रहे हैं, तो हमेशा ये एड ऑन होता है, ये कभी भी प्रिंसिपल सोर्स नहीं है। डीबीटी इज नॉट ए प्रिंसिपल सोर्स ऑफ स्टडी, इट्स ए एड ऑन टू योर प्रिंसिपल सोर्स, जो आपने मेन नोट्स अपने कवर किए उसको ये एड ऑन करेगा। अगर जो इंसान ये सोच के जा रहा है कि मैं डीबीटी कर लूं मेरा सब कुछ हो जाएगा, ये नहीं होने वाला, इतना ग्रीडी आप मत होए, बिकॉज ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसको यूज करें एज एड ऑन, जब कभी भी डीबीटी होने के बाद जब कभी भी आप अपने नोट्स रिवाइज करेंगे जो आपके मेन नोट्स है, आप क्या करेंगे उन मेन नोट्स में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपकी डीबीटी की बुक में आप राइट डाउन कर लेंगे, ताकि जब आप एंड टाइम में जब पढ़ेंगे तो आप डीबीटी की बुक से आपका काम सारा का सारा कवर हो जाए। दूसरी बात मैं ये बात बोलूंगा, अगर आप डीबीटी करें तो इसके अलावा आप कुछ और ना करें, ना तो आप भाटिया वालों का वाइप करें, ना आप कोई बीटीआर करें, आप कुछ ना करें, बिकॉज आपके प्रिंसिपल नोट्स और ये एड ऑन, ये 2 चीजें पर्याप्त हैं, और साथ में आप जो ग्रैंड टेस्ट कर रहे हैं मेरो के किसी के भी, वो 3 चीजें आपको बहुत है, इससे ज्यादा भागने की जरूरत नहीं है। तो प्लीज इन चीजों पर आप वो रहें, फोकस रहें। और जो सेकेंड स्टेप है जो डीबीटी यूटिलाइज करनी, वो है डीबीटी विल हेल्प यू टू कवर दी माइनर सब्जेक्ट्स, जैसे कि डर्मेटोलॉजी। देखिए अगर आप नहीं भी पढ़ते हैं आगे जाके, तो डीबीटी में आपको इतना कवर वो करवा देंगे जिससे कि आपके सारे इमेजेस, क्योंकि डर्मेटोलॉजी में मेनली इमेजेस ही पूछी जाती हैं, वो आपकी सारी कवर कर दी जाएंगी, और एनेस्थीसिया में आपकी काफी इमेजेस कवर कर दी जाएंगी, रेडियोलॉजी पूरी वो सुमेर सर पूरी कवर करा देंगे, तो बिल्कुल भी आपको उस बारे में दिस नो नीड टू वरी अबाउट दिस सब्जेक्ट, वो कवर पूरी करा देंगे। और जैसे एनाटॉमी की जो इमेजेस होती हैं, जो वो आपको ग्रोथ सेक्शन दिखा के पूछ लेते हैं, वो भी आपको ऑलमोस्ट वो कवर करा देंगे, तो जो छोटे सब्जेक्ट्स हैं वो आपको ऑलमोस्ट वो कवर करा देंगे। तो ये रहेगा कि आप अपना डीबीटी करके आप इतने हो जाएंगे, आप 75% जो आपका माइनर सब्जेक्ट है वो कवर आपका हो गया। अब आप फोकस करें अपने मेन सब्जेक्ट में, तो आपकी ऑप्थेल्मोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, एनेस्थीसिया, रेडियोलॉजी, एनाटॉमी, या आपकी काफी हद तक, और खासकर पैथोलॉजी की जो स्लाइड पूछी जाती है हर साल 1-2 क्वेश्चन आते हैं उसमें, वो आपकी कवर कर दी जाएंगी, तो ये बारे में आपका टेंशन खत्म हो जाएगा। तो आप माइनर सब्जेक्ट्स को इससे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं बाय यूजिंग डीबीटी। तो डीबीटी विल हेल्प यू टू कवर दिस एस्पेक्ट, बिकॉज हम कभी भी क्या करते हैं, हम जब इंटर्नशिप में होते हैं तो हम लोग मेनली कवर करते हैं मेन मेन सब्जेक्ट, गायनी, पीएसएम, मेडिसिन, सर्जरी, तो हमारा ध्यान थोड़ा कम रहता है टुवर्ड्स माइनर सब्जेक्ट, तो ये आपका कवर हो जाएगा। और जो तीसरी स्टेप है डीबीटी की, जो मुझे लगती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखें आप सबके पास 19 सब्जेक्ट तो है ही जो आप पढ़ते हो, आपके नोट्स होते हैं, 1/20 वो होती है जो आप बना लेते हो ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन, ताकि आप उसमें से आप मोस्ट कॉमन चीजें लिख ले, आप बना लेते हो अपनी। अगर जिन्होंने नहीं बनाई होती है या जिन्हें बनाई होती है, उन दोनों लोगों के लिए ये हो जाएगा आपका 21st नोटबुक। डीबीटी विल हेल्प यू टू रैप अप योर होल रिविजन बिफोर द 7-8 डेज ऑफ एग्जाम बींग ए 21st नोटबुक। तो ये आपकी वर्क करेगी एज ए 21st नोटबुक, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूं ये डीबीटी जो है ना, ये छोटी मोटी बुक नहीं है, ये 1000 पन्नों की बुक है ये। अब आपको आप ये फोटो देख सकते हैं, ये 1000 पेजेस की बुक है, छोटी मोटी बुक नहीं है, बट आप देखेंगे हर एक पेज में मुश्किल से 2 इमेजेस ही हैं, बाकी उसका डिस्क्रिप्शन है, तो ऑलमोस्ट मेरा ये मांगे चलना है, तो आपकी कम से कम देखिए, अगर नीट पेज की बात करूं मैं, 200 क्वेश्चन में से कम 35-40 इमेजेस तो वो दिखाते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, तो अगर 40 में से मैं आपसे मांगे चल रहा हूं डेम्स के डीबीटी से स्ट्रेट फॉरवर्ड जो क्वेश्चन आएंगे, कम से कम 25 क्वेश्चन तो स्ट्रेट फॉरवर्ड इसी के इमेजेस डाल के वो डाल देंगे।
आप याद रहे, इमेजेस जो होती है ना वो हमेशा सेम रिपीट होती हैं। ऐसा नहीं है कि इमेजेस वो अलग से निकाल के दे देंगे आपको, ऐसा नहीं होता। क्योंकि क्योंकि कई सारी इमेजेस होती हैं वो लाइसेंस इमेज होती है, जो फ्री इमेजेस होती है वही आपसे पूछी जाती है एग्जाम में। और ये डेम्स वाले जो होते हैं ये बहुत स्मार्ट लोग होते हैं, बिकॉज ये बहुत सालों से कोचिंग कर रहे हैं, तो इनके पास सारी इमेजेस होती हैं जो एग्जाम में पूछी जाती है। तो ये वो आपको दिखा देते हैं। तो आपके 20 से 25 क्वेश्चन आप मान के चल रहे हैं इस डीबीटी से आपके कंफर्म हो जाएंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि आप 150 क्वेश्चन करेक्ट कर सकते हैं एग्जाम में, तो ये डीबीटी आपकी हेल्प करेगा 162 165 क्रॉस कर जाए। एज सून एज आप 165 क्वेश्चन क्रॉस कर जाते हैं, आप बहुत हद तक आप ऑलमोस्ट सेफ हो जाओगे ट्रिपल डिजिट रैंक के लिए। सो प्लीज इस डीबीटी को अच्छे से यूटिलाइज करें और अच्छे से सो के जाएं एग्जाम डीबीटी अटेंड करने के लिए, जो जो ऑफलाइन कर रहे हैं उनके लिए, और इसको अच्छे से यूज करें। और एक बात और अच्छी है डीबीटी की, क्योंकि आप लोग अभी तक क्या कर रहे हैं, नोट्स पढ़ रहे हैं, मेरे क्वेश्चन करते हैं, ये आपकी जो मोनोटोनस लाइफ है उसको ब्रेक करेगा और आपकी लाइफ में कुछ एक नई यू नो आपको कुछ और इंस्पायर करेगा कुछ और करने के लिए। तो ये आपकी जो मोनोटोनस लाइफ है उसको ब्रेक करके आपको थोड़ा सा मोटिवेट भी करेगा डीबीटी। इसलिए ये भी एक बहुत अच्छी चीज है जो मुझे लगती है ये डिम्स वालों की। और जो जो भी लोग डीबीटी नहीं कर रहे हैं या जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं या जो कुछ और करना चाहते हैं, प्लीज बिल्कुल भी डीमोटिवेट ना हो। डीबीटी सब कुछ नहीं है। मैं आपको बताऊंगा क्या क्या आपके ऑल्टरनेट मेथड हो सकते हैं इमेज बेस्ड क्वेश्चन करने के लिए। इवन मैं खुद भी ट्राई करूंगा, आप लोगों को बहुत सारे इमेज बेस्ड क्वेश्चन खुद दिखाऊं यूट्यूब चैनल पे, और मैं आपको बताऊंगा एक वीडियो बनाऊंगा इसके लिए। तो बिल्कुल परेशान ना हो, बेस्ट ऑफ लक।